आप जो है उन्हें अच्छे से ग्रीड करिए, और जो भी क्वेश्चन आपके हैं आप उन्हें बता दीजिए, 5 मिनट में वो आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। लीजिए बात की, प्लीज। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बहुत बहुत ढेर गुड सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, जल्दी से जल्दी थैंक यू सर। और कैसे हैं आप लोग, कैसे पढ़ाई लिखाई चल रही है? हेलो सर, ठीक चल रही है सर? हाँ अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं सर? चलिए सर, बढ़िया है। तो इस बार मेंस दे रहे हैं आप लोग? नहीं सर। कुछ पूछना हो नहीं तो मैं अपने आप बिहाफ कुछ ऐसे 2-4 मिनट आपसे बात करके कुछ बताऊं। यस सर। सर आप बताइए। ठीक है, पहली बात तो राइटिंग स्किल पे बहुत ध्यान देना है। अगर सिविल सर्विसेज में आना है तो पढ़ाई भले कम हो लेकिन राइटिंग स्किल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एडिटोरियल पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, एक ही बुक को बार बार पढ़िए, लेकिन अपनी लेखन शैली को बहुत ही मजबूत। हेलो सॉरी सर, वी आर अनेबल टू क्या करें सर, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब ऑडिबल हूँ, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर। जी सर। जी सर। देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे ज्यादा राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा रोल है। आप कम पढ़ें लेकिन आप अपनी रचनात्मकता, भाषा की मतलब लैंग्वेज जो बहुत हो, प्यूरिफाइड हो, और जितना अच्छा आप लिख लेंगे, प्रश्नों को समझ को सही से उसको मोड़ लेंगे, वो बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। इसके लिए अच्छी बुक जरूर पढ़िए, किसी भी जिसे जीएस की हो या ऑप्शनल की हो, रेफरेंस बुक जरूर पढ़िए। हेलो कोई इस... जी सर। जी सर। अच्छा, हाँ तो रेफरेंस बुक जरूर पढ़िए, चाहे जो भी ऑप्शनल हो। और दूसरी बात, सेकेंड बात मैं ये कहूंगा कि कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक आप लिखें भी, जब भी मेंस लिखें हमेशा तुलनात्मक लिखें। अगर मौर्य कला आ रही है तो उसके गुप्त कला से अंतर संबंध प्रस्तुत करिए, उसका मुगलियन आर्ट से, इंग्लिश आर्ट से इनसे तुलनात्मक करिए। वेलेजली की सहायक संधि है तो उसको कार्नवालिस से जोड़िए, डलहौजी से जोड़िए, क्या अंतर है। अगर असहयोग आंदोलन लिख रहे हैं तो उसको हमेशा भारत छोड़ो आंदोलन से तुलना करिए। ये तुलनात्मक एक प्रवृत्ति डेवलप होनी चाहिए, एक टेंडेंसी कंपेरेटिव स्टडी राइटिंग की डेवलप हो जानी चाहिए, कि इस मतलब एक बेचैनी हो जाए जब भी हम लिखें कुछ, किसी पे, चाहे ऑप्शनल पे लिखें चाहे पॉलिटी पे लिखें, हमेशा उसमें ये जरूर होना चाहिए कि हम कंपेरेटिव कैसे करते हैं। जब डिफरेंट स्कूल ऑफ नॉलेज होगा, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी होगा, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करने की क्षमता हो जाएगी, सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। पीटी की तैयारी मेंस के लिए दो ही चीज इम्पोर्टेंट है, वो तो बेसिक फैक्टर है, वो तो सब करते हैं। जितना ही आप तुलनात्मक लिखेंगे, कुछ भी, लोकसभा की शक्तियां हैं तो राज्यसभा की शक्तियों से तुलना लिखना है, प्राइम मिनिस्टर के वर्क लिखना है तो इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर के वर्क से तुलना करिए, इस प्रकार का आपका होना चाहिए। इथिक्स में आप अगर आप इंटीग्रिटी लिख रहे हैं तो प्रोबिटी से तुलना है, कंपैशन लिखना है, और फ्लो चार्ट बनाना सीखिए खूब अच्छे से, चीजों को प्रेजेंट करना, मतलब आर्ट जो राइटिंग आर्ट है उसको डेवलप करिए अधिक से अधिक। हेलो। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। कोई संदर्भ में डाउट हो तो आप पूछिए हमसे, क्योंकि इंटरैक्ट करेंगे, अंतर क्रिया करेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। आप किसी मेरा ये कहने का मतलब है कि राइटिंग स्किल को एकदम मजबूत कर लीजिए, एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। अब वो एक
क्या कहते हैं टेंडेंसी है, वो एक प्रवृत्ति जन्म हो जाती है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मांग नहीं है, वो पूरे आपके लेखन में आ जाएगी। जब आप ऐसे राइटिंग करेंगे देन तब भी लिखेंगे, जब आप लेटर राइटिंग करेंगे तब भी लिखेंगे, इथिक्स का पेपर लिखेंगे तब है, ऑप्शनल जब लिखेंगे, ये एक डेवलप हो जाना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और है कि जो भी लिखिए उसका सपोर्टिंग एलिमेंट्स आपके पास जरूर होना चाहिए। जैसे आपने क्या कहते हैं कोई चीज लिखा इथिक्स में कि इंटीग्रिटी बेसिक की फैक्टर इन सिविल सर्विसेज, तो जरूर ये तो आप बात करें, आप कोई कोई बड़े आदमी या महान आदमी, इसके संदर्भ में आप बताइए कि किस कमेटियों ने ऐसे रिकमेंडेड किया है, नोलन कमेटी, एनसी सक्सेना कमेटी अलग, इन सब ने रिकमेंड किया है, तो अपने क्वेश्चन में लिखने पे वो उसको सपोर्टिंग एलिमेंट्स जरूर देना चाहिए, चाहे जो भी हो। अब ये कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जिसका किसी ऑप्शनल, किसी पेपर, हिंदी या किसी से नहीं, ये गुड राइटिंग स्किल, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार लिखना, कंपेरेटिव लिखना और अपने लिखने का सपोर्टिंग एलिमेंट्स देना, और उसको जितना ही मतलब अच्छे से प्रेजेंटेबल ढंग से लिखेंगे उतना ही फायदा है। ये तो बेसिक है मतलब कि, और ये टर्म ऐसा नहीं कि एग्जाम हो तब, ये आपके अंतर मन में इम्बाइब हो जाना चाहिए, एकदम घुस जाना चाहिए कि हम कहीं बात भी कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज को जीना चाहते हैं तो कंपेरेटिव सोचना सीखिए। अगर आप कोई सार्क लिख रहे हैं तो दूसरे ऐसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंसी ले रहा है, ये एक प्रकार का एक मूवमेंट टाइप का आपके दिमाग में चल जाना चाहिए। अगर इसको आपने कर दिया देन आप इजिली सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आपको टाइम भी लगेगा और सर्वाइव करने में दिक्कत। बहुत ही रेनाउंड स्कॉलर हैं और बहुत विद्वान आदमी हैं, वो आपको तो बताएंगे ही। सर जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है सर, तो ऑप्शनल के लिए कौन सी बुक जो हमें पढ़नी चाहिए बढ़िया? ज्योग्राफी ऑप्शनल के, देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल तो मेरा नहीं रहा है, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो भी अच्छे टीचर हैं उनसे आप मिलिए और उनसे अच्छी बुक्स जो है उसको आप नोट करके, राइट डाउन करके उसको पढ़िए हमेशा। जी सर, जी सर। क्या कहते हैं रेफरेंस बुक जरूर पढ़िए, गाइड कम रेफरेंस, कोई भी गाइड कितनी भी अच्छे ढंग से, कितने भी अच्छे तरीके से लिखें, वो कभी भी आपके रेफरेंस बुक का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि रेफरेंस बुक में जो चीज एक पेज में लिखा रहता है उसे गाइड में एक ही पेज में 50 चीजें लिखा रहता है, तो उसकी इफेक्टिवनेस न्यून हो जाती है, कम हो जाती है। यस सर, यस सर। और टेस्ट सीरीज खूब करिए, टेस्ट सीरीज जितना से जल्दी लिखिए, जितना से जल्दी अच्छा से लिखेंगे उतना ही आप जल्दी से जल्दी बेहतर सिलेक्शन लेंगे। एनी डाउट हो तो आप पूछिए। सर कुछ आप प्री के बारे में बता दीजिए। प्री के बारे में सर, जो हमारा प्री एग्जाम जो होता है। किसके की? प्रीलिम्स के बारे में? जी सर। प्रीलिम्स के लिए देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो प्रीवियस ईयर के पेपर, अगर ये यदि आप यूपीएससी में हैं तो आप प्रीवियस क्वेश्चन तो नहीं लेकिन टॉपिक उसमें डिराइव करिए। देखिए दो चीजें हैं, या तो क्वेश्चन रिपीट होता है या तो टॉपिक रिपीट होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों चीज रिपीट ना होंगे, ये पैरेलल इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप देखिए जिस टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं उसको विस्तार से पढ़िए, रेफरेंस बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी बुक से, जो कभी कभी आ रहे हैं उसको गाइड के आधार पर भी पढ़ सकते हैं। और ये अगर स्टेट कमीशन में है तो प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। और एनसीईआरटी तो एक बार सब, विशेषकर ज्योग्राफी एनसीईआरटी और पॉलिटी का भी और हिस्ट्री का जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिए। और दूसरी बात, ये बात देखिए पीटी में जैसे जो एरिया आपका सबसे अच्छा हो उसको कम नहीं पढ़ना है, उसको ज्यादा पढ़ना है। अगर आपका एनवायरमेंट साइंस अच्छा है तो आपको एनवायरमेंट साइंस कम नहीं, उसको ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन आप कर लें, चाहे बड़े क्वेश्चन हो चाहे छोटे क्वेश्चन। यदि आपका साइंस कम है तो उसमें हम ऐसा करें कि जिसके जनरल क्वेश्चन तो आसानी से सही कर लें,
कुछ कठिन हम छोड़ दें, लेकिन अगर जो मान लीजिए जो भी एरिया आपका स्पेसिफिक है, अगर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसको तो और इतना मजबूत करें कि उसके 20-22 क्वेश्चन आप इजिली आराम से उसको कर लें। ये तरीका है, एनसीईआरटी पे बहुत फोकस रहिए। ओके सर, थैंक यू। आप लोग मुझसे मुलाकात हो, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आपने जिनसे बात की, आप गूगल वगैरह जहां कहीं भी डालेंगे नाम ललित कुमार मिश्रा तो आपका नाम आ जाएगा। और अभी आप लगभग 10-15 साल से तो हैं ही असिस्टेंट प्रोफेसर, और काफ़ी इंटेलेक्ट भी अपने फील्ड के, ये तो चूंकि विषय विशेषज्ञ कई बच्चों को पढ़ाते हैं तो कई मामलों में हमसे ज़्यादा ही अनुभव रखते हैं। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था इतिहास में? पिछली क्लास में हम लोगों ने इतिहास में क्या पढ़ा था, टॉपिक क्या था सर? पोस्ट गुप्ता एज के बाद वर्धन वंश और जो ट्राइपार्टी स्ट्रगल था उसके रिलेटेड पढ़ा था सर। ठीक है, जब हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की सत्ता विघटित होने लगी और गुप्त एम्पायर कमजोर होने लगा, किस तरह से कमजोर हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं छोटे छोटे राज्य उभर कर आए। तो जब बड़ा साम्राज्य टूटता है तो उसके बाद छोटे छोटे एम्पायर जो है खड़े होते हैं। तो उत्तर भारत के क्षेत्र में देखा हमने वर्धन वंश आया, वहां पे कामरूप के क्षेत्र में वंश आया, और छोटे छोटे राज्य उभरने लगे। तो इन राज्यों के बारे में हमने चर्चा की थी। जब ये उभरने लगे छोटे छोटे राज्य, तो इन्हीं में से शक्ति का संचय करते हुए तीन बड़े राज्य उभरे। एक था दक्कन के क्षेत्र, राष्ट्र प्रसार कर रहे थे, इवन कहते हैं कि वो अपने समय के चौथे सबसे बड़े साम्राज्य थे पूरी दुनिया के। दुनिया में तो इतने बड़े बड़े साम्राज्य थे, जैसे आप समझो कि वो आज की चौथी सबसे बड़ी शक्ति हो, इस तरह से वो एम्पायर थे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गुजर प्रतिहार वंश था, गुजर प्रतिहार वंश महाराष्ट्र गुजरात जो वर्तमान का क्षेत्र है, वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। और उसके बाद जो पाल थे, जो बंगाल में पाल थे, मतलब कहा जाता है कि पालों का सांस्कृतिक योगदान बहुत रहा। जैसे आप देखोगे कि जब किसी के पास विलासिता आती है, कभी आप जीवन में महसूस करेंगे, आपने अगल बगल के माहौल एटमॉस्फेयर में चीजों को देखा होगा, तो आप देखते हैं कि जब आपके जीवन में समृद्धि आती है, ठीक है, तो समृद्धि आने के बाद आप दो रास्तों को चुनते हैं कि या तो आप विलासिता की तरफ जाते हैं या फिर आप इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ जाते हैं। तो अब आप ये देखिए, जब मुगलों के पास समृद्धि आई तो मुगलों ने क्या बनाया, ताजमहल, किला, और जब पालों के पास समृद्धि नहीं थी उसके बाद भी उन्होंने क्या बनाई, यूनिवर्सिटी। इनमें बहुत बड़ा योगदान है पालों का, पाल राजाओं का, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि उनका विजन कितना बड़ा विजन होगा। उनके काल में मूर्तिकला, चित्रकला, बौद्ध कला का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, और जो बंगाल वाला क्षेत्र है वो पहली बार इतना ज्यादा तेजी से उभर कर आया, ठीक है, सांस्कृतिक पटल पे। अब हम जब त्रिपक्षीय संघर्ष की बात कर रहे थे, तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बात ये थी कि क्या कारण थे, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द ट्राई लेटरल कंफ्लिक्ट, जो तीन राज्यों के बीच में संघर्ष हो रहा था उसके क्या कारण थे, ठीक है। तो अब हम किसी से भी पूछेंगे, कुछ इसमें नए हमें लोग देख रहे हैं जो क्लास में शामिल हुए हैं? जी सर, मोस्ट ऑफ द न्यू स्टूडेंट है सर। अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है ये। तो अब हम पूछेंगे कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है या त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ पूर्व मध्य काल में, उसके क्या कारण थे, हम किसी पुराने स्टूडेंट से पूछते हैं और वो बताइए। प्रतीक्षा गौड़, आप बताइए कि त्रिपक्षीय संघर्ष के क्या कारण थे? सर, मेन तो यही था कि जो सबको अपनी अपनी पावर जो है वहां पर स्टेबलाइज करनी थी, सबका वो सेंटर था, पावर का सेंटर माना जाता था, तो तीनों पार्टीज जो थी वो अपनी पावर वहां पर जमाना चाहती थी अच्छे से। और कोई और रिसोर्सफुल रीजन था सर, तो हर कोई चाहता था कि वहां की रिसोर्सेस को वो अपने लिए यूटिलाइज करें। ठीक है, और
और सर जो वहाँ पे गोदावरी और जो वहाँ की जो नदियाँ थी उनके जो दुआब का क्षेत्र था सर, वो संपन्न क्षेत्र, मतलब उसको भी लेके विवाद था वहाँ पे। ठीक है। और सर पालों और सर राष्ट्रकूटों के बीच सर जो तीन राजवंशों के बीच सर जो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष हुआ था सर, उसे सर इतिहास में सर त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और किस किसने बताया था ये? सर हरिओम। हरिओम। और कोई बताएगा इसके रीजन? देखो हम आपको बताते हैं, आंसर आप सब लोगों ने दिए, सबने अच्छे दिए, और पहला जो देता है वो हमेशा अच्छा माना जाता है, और बाद में जिसने दिया एक जो क्रिएटिव आंसर दिया कन्नौज वाला, वो बहुत अच्छा था। देखो आप जब लिखने जाओगे मीन्स तो आंसर तो लिख ही दोगे, ऐसा तो ये नहीं खाली कॉपी छोड़ के चले आओगे कि मुझे आ नहीं रहा, लिखते तो सब ये बीच में। आप कितने अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं ये सबसे बड़ी बात है, कि आंसर को कितने अच्छे से करते हैं। तो ऐसे जबरदस्ती अपने आंसर को नीरस बनाने की क्या जरूरत है? जब किसी भी युद्ध के कारण आप लिखते हो तो हमने आपको बताया उसे ऐसे लिखिए, सामाजिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है, वैदेशिक कारण क्या है, वैज्ञानिक तकनीकी के क्या कारण है, एक तो ऐसे लिख सकते हो आप। दूसरा युद्ध के लिए आप ये लिखिए कि इसका जो वास्तविक कारण क्या था और अन्य कारण क्या थे। एक तो मूलभूत कारण होता है या तात्कालिक कारण होता है, कि तात्कालिक कारण क्या थे और वहां पे क्या है कि आपके वास्तविक कारण क्या थे। जैसे 1857 की क्रांति के कारण बताया तो ऐसे लिख दोगे, ऐसे नंबर दे देगा वो आपको 8 में से 3। उसे बताइए कि इसका तात्कालिक कारण था चर्बी लगे हुए कारतूस, और वास्तविक कारण क्या थे, किसानों की समस्या थी, जमींदार विभिन्न तरह से शोषण करते थे, धार्मिक अधिकारों का वो हो रहा था, विदेशी सत्ता के खिलाफ प्रथम स्वतंत्र संग्राम था, इस तरह से पॉइंट बताएंगे ना। तो जब ये आपको हर जगह करना है, हर आंसर जो भी लिखो आप चाहे 200 प्रकार के युद्ध के आपसे कारण पूछे जाएं, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पे 200 अलग अलग तरह से लिखें, आप एक दिमाग में आपके फ्रेम है और वो आप लिखाइए। तो जब आपसे हमने कहा त्रिपक्षीय संघर्ष का क्या कारण था, तो कारण में क्या लिखिए, सबसे पहले आप लिख दीजिए इसका तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण क्या था, जो कन्नौज जो पॉलिटिकल सेंटर था, आप देखोगे बदन वंश के समय, हर्षवर्धन के समय जो कन्नौज पॉलिटिकल सेंटर था, उस समय कन्नौज में जो वंश था उसकी सत्ता कमजोर होने लगी थी। तो जब सत्ता वहां पे कमजोर हुई तो वैक्यूम क्रिएट हुआ, और वैक्यूम क्रिएट हुआ तो तीनों राज्यों से उसकी सीमा लगती थी। जैसे हमने कहा पाल बिहार बंगाल के क्षेत्र में थे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में राष्ट्रकूट थे, यहाँ पे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और आंशिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गुजरपति आते थे। तो और कन्नौज, कन्नौज की क्या भूमिका थी, तो कन्नौज पे सब कोई नियंत्रण करना चाहता था, क्योंकि कन्नौज हार्टलैंड था, हार्टलैंड था, हर कोई चाहता है कि वो दिल्ली पे नियंत्रण करे, तो उसी समय ऐसी स्थिति कन्नौज की थी। दूसरी बात, जो हम लोगों का उत्तरापद होता था, उत्तरापद आप देखोगे 6ठी सदी ईसा पूर्व से जिसका डेवलपमेंट होता जा रहा था, कि वो कनेक्ट करता था उत्तरापद को, तो सब चाहते थे किस पे नियंत्रण हो। तो ये क्या है, तात्कालिक कारण था। और वास्तविक कारण क्या था, देखो वास्तविक कारण क्या होता है युद्ध का, युद्ध का सबसे बड़ा वास्तविक कारण होता है साम्राज्यवादी सोच का विस्तार। हर राजा, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साम्राज्य का, उसकी इच्छाओं का, उसकी महत्वाकांक्षाओं का प्रचार प्रसार हो। अगर यहाँ पे किसी में आप लोग किसी को कोई छोटी नौकरी मिल जाए, लेखपाल बन जाए, तो वो चाहेगा कि भाई वो नायब तहसीलदार बन जाए, फिर वो चाहेगा नायब तहसीलदार बन गया तहसीलदार एसडीएम बन जाए। अगर कोई पुलिस में है तो वो चाहेगा कि भाई वो सब इंस्पेक्टर डीएसपी बन जाए। तो ऐसा ही तो राजाओं के पास साथ होता है। आप देखते हो कि इतने बड़े बड़े नेता होते हैं, इतने बड़े नेता बन गए तब भी चुनाव के प्रचार के लिए निकल जाते हैं, क्षेत्र जीतने के लिए। तो फिर प्राचीन काल में जो राजा महाराजा रजवाड़े होते थे, वो क्यों अपना क्षेत्र नहीं जीतेंगे? तो वहां से गुजर प्रतिहार चाह रहे थे कि हम अपने साम्राज्य का क्या करें, प्रसार करें। बस साम्राज्य का प्रसार कहाँ करते हैं, भाई दक्षिण भारत के क्षेत्र में करेंगे। दक्षिण भारत के क्षेत्र में करेंगे तो राष्ट्रकूट जो पावरफुल है वो चाहेंगे कि अपने साम्राज्य का विस्तार क्या करें, उत्तर भारत के क्षेत्र में चलें, तो गोदावरी का किसी ने नाम लिया, तो वहां पर संघर्ष होना स्वाभाविक है। राष्ट्रकूट जो राष्ट्रकूट है वो ये चाहेंगे कि हम अब क्या है ईस्ट की तरफ प्रचार प्रसार करें, तो वो कहाँ जाएंगे, बंगाल बिहार उड़ीसा की तरफ जाएंगे, पाल दक्षिण की तरफ आएंगे, तो संभव होना स्वाभाविक है। तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा एक कारण हो गई।
तीसरा आप क्या लिखो, आर्थिक कारण संसाधनों की प्राप्ति, ठीक है। चौथा आप क्या कारण लिखो कि हमने आपको बताया था उस समय, जैसे आप इतिहास को पढ़ते हो तो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि युगबोध को पढ़िए, ऐसे पढ़ेंगे रटेंगे इतिहास पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, उस युगबोध में एक बहुत बड़ी बात चल रही है उस युगबोध में, पूर्व मध्यकाल में, ठीक है, जिसने सभी तरह के सामाजिक स्थितियों को, राजनीतिक परिस्थितियों को, आर्थिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। उस व्यवस्था का नाम बताएगा मुझे कोई? हाँ, सामंतवाद। एक्सीलेंट, सामंतवाद। सामंतवाद के बारे में हमने आपको बताया था कि मीन राजा जो है कमजोर होता था, छोटे छोटे राजा शक्तिशाली हो जाते थे, इसे सामंतवाद कहते थे। तो जब ये घटना हुई तो अब राजा क्या चाहते हैं कि जैसे राष्ट्रकूट भाई जो है, राष्ट्रकूट राजा आया, गुर्जर प्रतिहार आया, पाल वंश के राजा आए, तो ये क्या कहते थे कि हम अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार करेंगे, तो साम्राज्य के प्रचार प्रसार से क्या होगा, सामंतवादी जो चेतना है वो कमजोर पड़ जाएगी, ठीक है, ये भी उसका रीजन था। दूसरी बात क्या है, सांस्कृतिक कारण था भाई, एक सांस्कृतिक कारण है, जैसे कि जो पाल थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो वो चाहेंगे कि पहले तो राज्य धर्म अलग अलग था नहीं, सेकुलर व्यवस्था थी नहीं, जैसे आज ये है कि राज्य अलग होगा धर्म अलग होगा, ऐसे ही आप सेकुलरिज्म कहते हैं, पहले तो ऐसा था नहीं, तो वो ये भी चाहते थे कि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो, कि जब अशोक ने जीता तो उसके पीछे उसने धर्म का भी प्रचार प्रसार किया, ठीक है, राजकूटों का अलग धर्म है, गुर्जर प्रतिहार का अलग है, पाल का अलग है, तो वो भी एक इनपुट था। और धर्म की जब आप सत्ता को हाथ में लेके आगे बढ़ते हो तो पीछे कुछ लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं समाज से, तो आपकी जो सत्ता है वो भी मजबूत होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हर युद्ध के कारण होते हैं, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष का हमने क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था, किसी लोग लिखा होगा शायद आप लोगों ने, कि त्रिपक्षीय संघर्ष का स्वरूप क्या था, नेचर क्या था, ठीक है, हम किसी पुराने स्टूडेंट से पूछते हैं, कोई बताएगा? नकुल तुम बताओ कि त्रिपक्षीय संघर्ष का स्वरूप क्या था। नकुल, गौरव यादव क्लास में नहीं है आज? हाँ गौरव, बताओ कि त्रिपक्षीय संघर्ष का क्या स्वरूप था, नेचर क्या था, प्रकृति क्या थी? गौरव सुन रहे हैं? सर जी पढ़ा नहीं था हमने। अच्छा, ये तो आंसर लिखने भी दिए थे हमने। अच्छा, काफी दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। देखो, जब हमने बताया कि आप कोई भी नेचर बताएं, तो नेचर बताते समय उसका आप को हमने कुछ वो बताए थे, एक फॉर्मूला दिया था हमने, ACPILO, ठीक है। जैसे जब भी आपसे कहा है फ्रांस की क्रांति का, अमेरिका की क्रांति का, 1857 की क्रांति का, सविनय अवज्ञा का, असहयोग का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या अन्ना आंदोलन का, या डिजिटल आंदोलन का, मीटू मूवमेंट का, ब्लैक मूवमेंट का, आप हमें नेचर बताओ, तो आप क्या लिखेंगे नेचर में? बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इस स्वरूप में क्या लिखें, कोई बताएगा स्वरूप में क्या क्या लिखते हैं, किन पॉइंट्स को लिखते हैं, कोई बताएगा आप लोगों में से कि स्वरूप क्या, अन्ना आंदोलन का स्वरूप बताइए, प्रश्न आ गया, क्या उत्तर लिखेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध का स्वरूप बताइए। देखो, स्वरूप में सबसे पहले आप बताएंगे उसका एरिया, ए से एरिया, उसका क्या एरिया है, फिर एरिया बताने के बाद, जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष का क्या एरिया था, तो त्रिपक्षीय संघर्ष का एरिया क्या था, मुख्यतः कन्नौज को हृदय स्थल बनाकर पूरे भारतवर्ष में साम्राज्यवाद को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। अब देखो, ये लाइन को आपने कितनी अच्छे से लिख दिया, एक लाइन में सब कुछ लिख दिया, कन्नौज को हृदय स्थल बनाकर पूरे भारत में साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। दूसरे में लिखिए क्लास, तो क्लास में आप क्या लिखिए, आप इसे ऐसे लिखिए कि एग्जामिनर को अच्छा लगे सुन के कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष था, और पता क्या लिखिए कि कभी भी तीनों पक्षों में कभी संघर्ष हुई नहीं इस युद्ध में, इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी,
पाल, राजकूट और प्रतिहार आपस में तीनों मिलके कभी लड़े ही नहीं, दो लड़ते थे एक चुप रहता था। पाल राजकूट से लड़े तो प्रतिहार चुप हो गए, प्रतिहार पाल से लड़े तो राजकूट चुप हो गए, और राजकूट और प्रतिहार लड़े तो पाल चुप रहे। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष कभी हुआ ही नहीं। तो उसे एग्जामिनर को कितना अच्छा लगेगा कि यह त्रिपक्षीय नाम है और इसने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि त्रिपक्षीय था ही नहीं। ये आपकी इनोवेटिव सोच को दिखाता है। उसके बाद आप क्या बताइए कि त्रिपक्षीय ना हो, ये चतुर्पक्षीय था। अगर तीन पक्ष थे तो एक चौथा पक्ष सामंतवाद भी था। सामंतवाद भी अपनी अपनी शक्तियों का प्रचार प्रसार विस्तार करते थे तो वो लोग पीछे लौटाते थे। ठीक है, और लीडरशिप बता दो जिन जिन राजाओं ने इसमें भाग लिया, ये सारी चीजें आप बता दीजिए। उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष के क्या परिणाम आए आप वो बताइए। मैं बबीता आप बताइए, त्रिपक्षीय संघर्ष के क्या परिणाम हुए? बबीता आप जी सर, बताइए, त्रिपक्षीय संघर्ष के क्या परिणाम हुए? हेलो, जी हम सुन रहे हैं, आप बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष के क्या परिणाम हुए? सर सर अभी याद नहीं आ रहा है सर, काफी दिन से पढ़े भी ठीक है, नहीं कोई है और अभी। बताएगा त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम? यहां सर ही बताएं। हाँ एक तो ये हो सकता है कि जो मेजर पावर्स थी कहीं ना कहीं जब लड़ाई स्ट्रगल चल रहा है तो उनकी पावर भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई। बिल्कुल सही है। सर पावर डिक्लाइन होने से जो और इन्वेडर्स थे उन लोगों का इन्वेशन इजी हो गया। ठीक है, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा है। और सर ये गुर्जर और सर प्रतिहार शासकों के सर पश्चिम में रहा था सर लास्ट में, सर मुझे शासक का नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, और कोई नया स्टूडेंट में से कोई बताएगा कुछ त्रिपक्षीय संघर्ष के क्या परिणाम हुए? हाँ सर त्रिपक्षीय बताइए। संघर्ष में सफलता के बाद गुर्जर प्रतिहार सर्वाधिक प्रभावशाली हो गए, और पालवंश के शासकों ने बंगाल के राजनीतिक स्थान प्रदान करके उसके सांस्कृतिक रास्ते एक मार्ग आगे बढ़ाया था। और कोई नया स्टूडेंट? देखो किसी भी युद्ध के क्या परिणाम होते हैं, आप समझ रहे हैं? किसी भी युद्ध के क्या परिणाम होते हैं? सर जन मतलब धन की हानि होती है, लॉस एक्सीलेंट, किसने ऑफ बोला ये किसने बोला? अच्छा सर, ये हुमा जी अच्छा नए स्टूडेंट हैं आप, सर। ठीक। देखिए इनने कितनी अच्छी बात बोली, हम यही बोलना चाहते थे। आप बेस्ट सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट, आपको बेस्ट सर्विस चाहिए तो आप बेस्ट परफॉर्म भी तो करो। आप अनर्गल बातें करो कि आपको मंच पे मिलेगा 1 मिनट बोलने का मौका, 30 सेकंड बोलने का मौका, और आप फालतू की बातें करते रहोगे, वहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बोले तो आप कैसे डिजर्व करोगे भाई? कोई भी युद्ध होगा उसमें सबसे बड़ी परिणाम क्या होगा उसका? जान और माल की अपार हानि होती है। 1971 के युद्ध में सबसे बड़ा परिणाम क्या आया? जान और माल की अपार हानि हुई। विश्व युद्ध में क्या हुआ? दो में जान और माल की अपार हानि हुई। अशोक के युद्ध में क्या हुआ? जान की अपार हानि हुई, उसका हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का। तो मेन वहां स्ट्राइक करो ना, सब पेपर दे रहे हैं, फिर तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष में सब उसके कारण बता रहे हैं, ये एक ही व्यक्ति ने बताया कि कन्नौज, कन्नौज जो पॉलिटिकल पावर का सेंटर था, वहां पे सत्ता स्थिर नहीं थी, सब उस पर नियंत्रण करना चाहते थे। समझ रहे हो ना? लिखने को सब लिखाओगे, अपनी प्रायोरिटी प्राथमिकताएं फिक्स करो जीवन में भी और आंसर में भी। ठीक है, तो बहुत अच्छा, जान और माल का जो है
जो सबने बताया कोई गलत नहीं, लेकिन इनने बहुत अच्छा बताया कि जान और माल की अपार हानि हुई। और बताइए सर, तीनों राजवंश का पतन हो गया। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, क्रमिक रूप से तीनों का पतन हो गया। किसी और ने भी बताया था कि विदेशी आक्रमण हुए, जैसे कि महमूद गंजवी मोहम्मद गौरी के आक्रमण जो हुए, तो उसने एक पॉलिटिकल वॉल्यूम क्रिएट कर दिया ना कि भाई सब सत्ता आपस में लड़ी, लड़के समाप्त हो गई, हो सकता है एकजुट रह के एकजुट हो जाते हुए और कोई बाहर से आक्रमण करता उसे मिलकर हरा देते। और क्या हुआ, और बताओ। और बताओ और क्या हुआ युद्ध का परिणाम। ये सब इनोवेटिव है, अब आजकल पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं, अब कितना इनोवेटिवली सोच पाते हो, वो है आंसर राइटिंग। बात चल रही थी ना अभी, वो पॉइंट तो बोल दिया, किसी ने बोला था वो पॉइंट, विदेशी आक्रमण वाला सब उसमें शामिल हो जाए। कुछ नया बोलिए, सामंतवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं मिला जी सर, जो मेन राजा कमजोर हो गया और सामंतवाद की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई, उसने कहा हम दूसरे राज्य से जाके समझौता कर लेंगे, लो हमें नहीं तो इतना बड़ा मंत्रालय दो, इतना क्षेत्र दो, तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। और अगली बात क्या है, देखो सबसे बड़ी बात, आप हर डायमेंशन में सोचो ना, मल्टी डायमेंशनल क्यों नहीं सोच रहे हो, सामाजिक परिणाम, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, वैदेशिक, सब में से एक एक दो दो पॉइंट ले, आपके आंसर तैयार हो गए 10 पॉइंट। सोचने की शक्ति का विस्तार करो। आप ये बताओ कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में सांस्कृतिक क्रियाकलाप नहीं हो पाते हैं, जैसे कि रंगारंग प्रोग्राम हो रहा है, नृत्य हो रहा है, संगीत हो रही, मूर्तियां बन रही, मंदिर बन रहा है, बड़े बड़े वो बन रहे, ये सब हो पाता है, नहीं हो पाता ना, नहीं हो पाता। तो आप यही कहो कि सांस्कृतिक क्रियाकलाप बाधित होगा युद्ध में सारे, और लगातार 200 वर्षों तक युद्ध चला, कोई एक दो साल तो चला नहीं, 200 वर्षों तक युद्ध चला, कितने सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो जाते। राजकूटों ने तो एलोरा की गुफाएं बना दी, कैलाश मंदिर बना दिया जो आज यूनेस्को की साइट में, पाल वंश की 2-3 इमारतें यूनेस्को की साइट में, अगर इन्हें और समय मिलता तो कितना बेहतरीन बनाते ये। तो ये हुआ। दूसरी बात, कुछ हटके बताइए सकारात्मक, जैसे सोचिए कि राजकूट कहाँ पे है। राजकूटों ने उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति में सेतु का काम किया, उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों को मिलाया जब वो युद्ध, ये पॉजिटिव आउटकम आया। ये भी लिखो कि युद्ध के कुछ पॉजिटिव आउटकम भी आते हैं, हमेशा नेगेटिव नहीं आते। जैसे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो महिलाएं मुख्य भूमिका में आ गई 1919-20 में, क्यों, पुरुष संकट खड़ा हो गया, पुरुषों की कमी हो गई थी। ऐसे ही यहाँ पे हुआ कि जब राजकूट उत्तर भारत में जाते थे तो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते थे, और दक्षिण भारत में तो वो लाते थे इनसे पल्लव वगैरह से, तो इन्होंने संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। लेकिन जरूरी नहीं कि संस्कृति का प्रचार प्रसार और संस्कृतियों का संगम युद्ध के माध्यम से हो, शांति से भी तो हो सकता है। गलत कह रहे हैं? साथ में ये भी सजेशन दो, अगर आप ये कहोगे कि युद्ध के माध्यम से संस्कृतियों का मिलन हुआ, सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ, तो कहेगा बड़ा नेगेटिव आदमी है। एक लाइन और पीछे से जोड़ दो कि युद्ध के माध्यम से सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ, लेकिन सामाजिक संस्कृति का विकास युद्ध के माध्यम से हो, ये ही आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये परिणाम आया। उसके बाद व्यापार वाणिज्य बाधित होते हैं, ये सारी चीजें जो है बाधित होती। त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद जो है सामंतवाद हमने आपको पढ़ा दिया था, चोल एम्पायर की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग चोल से स्टार्ट करें पूर्व मध्य काल में। जी सर। ठीक है जी सर। चोलों के बारे में जो जीएस में क्वेश्चन आ सकता है, जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में पहली बार इतना पराक्रमी और बड़े साम्राज्य की जो है स्थापना हुई चोल साम्राज्य के रूप में। तो चोलों में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए, हम बोल देते हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नोट करिए। हम आपको कल टॉपिक बता रहे, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। देखो, एक तो चोल मूर्तिकला पे आ सकता है पहला, दूसरा नटराज की मूर्ति पे आ सकता है, तीसरा चोल मंदिर कला पे आ सकता है, ठीक है, चौथा चोलों के स्थानीय स्वशासन पे आ सकता है,
हेलो जी सर। जी सर चोलों का स्थानीय स्वशासन पे आ सकता है और चोलों के साम्राज्य विस्तार पर आ सकता है, चोल साहित्य पर आ सकता है, ठीक है। अब जो है एक चोलों के बारे में हम एक कहानी सुन लेते हैं, ठीक है। तो कहानी के माध्यम से क्या है कि चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है। देखो, दक्षिण भारत में हेलो। हाँ, तो आप दक्षिण भारत में देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो हमने बताया कि पल्लवों ने अपने साम्राज्य को शीर्ष पर पहुंचाया, दक्षिण भारत में पहली बार एक बड़े राजवंश की स्थापना हुई। तो जो बड़े राजवंश की जो स्थापना हुई तो पल्लव साम्राज्य का विघटन हो गया। लेकिन जब साम्राज्य का विघटन होता है तो उसके पीछे वो आपके पास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बहुत सारी इमारतें, स्थापत्य जो है छोड़ के चला जाता है, ठीक है। छोड़कर जाने के बाद हाँ वो ये सारी चीजें जो है छोड़कर चला जाता है। तो इसी बीच में क्या हुआ कि जब छोटे छोटे एम्पायर थे दक्षिण भारत में, तो वहीं से जो था चोल साम्राज्य का उद्भव हुआ। उद्भव हुआ, उद्भव के बाद आप देखेंगे कि राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, राजेंद्र जो है तृतीय, ऐसे पराक्रमी वीर और वैभवशाली राजा है जिन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार अखंड भारत में कर दिया, उत्तर भारत में कर दिया, दक्कन के क्षेत्र में कर दिया। इवन आप देखोगे कि जो बंगाल की खाड़ी वगैरह थी उसे चोल झील के नाम से कहा जाने लगा। उन्हें सब पे जो है साम्राज्य ये जो थे चोलों ने, जब कोई साम्राज्य लंबे समय तक चलता है, वैभवशाली होता है, समृद्धशाली होता है, तो वो क्या है कि संस्कृति की तरफ मुड़ता है। संस्कृति में वो दृश्य कला का विकास होता है, प्रदर्शन कला का विकास होता है, स्थापत्य कला का विकास होता है, साहित्य का विकास होता है, धर्म का विकास होता है। तो इन सब चीजों की नींव पड़ी और तेजी से आगे बढ़े। साथ ही साथ अगर आप समाज में देखो तो समाज में विभिन्न तरह की हलचलें पैदा होंगी। देशी विदेशी जो समाज संस्कृतियां हैं उनका मिलन होगा, आर्य अनार्य संस्कृति का विकास होगा। जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था थी वो दक्षिण भारत के क्षेत्र में पेनिट्रेट करेगी और दूर तक पहुंच जाएगी, है। और जब आप देखोगे कि युद्ध वगैरह के माध्यम से जब किसी सभ्यता संस्कृति का विकास होता है तो वो समाज प्रतिसत्तात्मकता की तरफ ज्यादा जाता है। और खासतौर से आप देखोगे आर्य समाज भी कुछ इसी तरह का था कि यायावरी और कबीलाई प्रकार का घुमंतू समाज था, पैट्रियार्की ज्यादा थी। तो आर्यों में पैट्रियार्की ज्यादा गई है। अब आर्य जहां भी जाएंगे तो हेलो हाँ, तो वहां पे क्या है कि पैट्रियार्की थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी और जो जनजातीय समाज होता है वहां पर पैट्रियार्की आपको कम दिखाई देगी। तो ये सारे प्रभाव पड़े। उस प्रभाव के बाद आप देखेंगे कि चोलों ने अपने स्थापत्य में, मंदिर स्थापत्य में, मूर्ति कला के क्षेत्र में नित नवीन कीर्तिमान स्थापित, और उत्तर काल से तो वो तमिल लिटरेचर का विकास हुआ। उसके बाद पल्लवों ने इस धारा को और धार दी और तेजी से इसका प्रचार प्रसार हुआ। पल्लवों के बाद हम देखते हैं कि तमिलों के समय में तमिल त्रिरत्न का विकास हुआ और इन सब चीजों का जो है विकास होता था। तो अब जो चोल साम्राज्य के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा। अगले क्लास में हम चोल साम्राज्य को बेहतर तरीके से कर देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा काम आ गया तो मुझे जाना है, ठीक थैंक यू सर। है।